हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैंने आपको थायराइड रोगियों के लिए घरेलू उपायों की कुछ जानकारी को शेयर किया है, पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक जानकारी और समझ लें। और ये जानकारी है कि आखिर क्या काम होता है थायराइड हार्मोन्स का आपके शरीर के लिए। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिसे थायरोक्सिन भी कहते हैं। ये हार्मोन फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ये हार्मोन रक्त में शुगर, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड की मात्रा को कम रखता है। यह हड्डियों, मांसपेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। हार्ट रेट एवं ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में ये बहुत बड़ा सहायक है। महिलाओं में दुग्ध स्राव को बढ़ाता है। तो इतना खास ये ग्लैंड, जिसकी मैंने पूरी जानकारी शेयर की है इससे पहले वाले वीडियो में, जिसका लिंक मैंने आई बटन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के एंड में शेयर कर दिया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और यदि आप उस वीडियो को देख के आए हैं तो आपको जानकारी पहले से ही है कि थायराइड आखिर है क्या, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स के असंतुलित होने पर। आज इस वीडियो का बनाने का मकसद केवल ये था, थायराइड पेशेंट जो है उनका खान पान कैसा हो, क्या उन्हें परहेज करना है, घरेलू नुस्खे कौन कौन से हैं जिसका इस्तेमाल करके वो अपने थायराइड को संतुलित कर सकते हैं, और कौन कौन सी योग या प्राणायाम है जिसका इस्तेमाल करके आप बढ़े हुए या घटे हुए या दूसरे शब्द में कहे असंतुलित थायराइड को संतुलित कर सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे मैंने कई घरेलू उपायों की जानकारी दी है। और ये उपाय बहुत आसान है, आप आसान तरीके से इन सारी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और परामर्श मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, यदि आप थायराइड जैसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इन जानकारियों के साथ डॉक्टर का परामर्श अवश्य लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय है शीतल पानी का सेवन। रोजाना खुले शीतल पानी का सेवन करने से थायराइड की समस्या में आराम मिल सकता है। अदरक बहुत आसानी से हर घर में उपलब्ध है। ये अदरक के रस को गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पीने से थायराइड की समस्या में भी लाभ मिलता है। तुलसी, ये भी आपको आसानी से घर में मिल सकती है। 2 चम्मच तुलसी के रस में 1/2 चम्मच एलोवेरा जूस मिलाकर सेवन करें, इससे थायराइड रोग ठीक हो जाता है। हरा धनिया को पीसकर एक गिलास पानी में घोलकर पिए, इससे थायराइड रोग में आराम मिलता है। हल्दी और दूध, प्रतिदिन दूध में हल्दी पकाकर पीने से भी थायराइड का उपचार होता है। लौकी, खाली पेट लौकी का जूस पीने से थायराइड रोग में उत्तम काम करता है, यह रोग को शांत करने में सहायक होता है। काली मिर्च, थायराइड के घरेलू उपचारों में नियमित रूप से भोजन में थोड़ी मात्रा में काली मिर्च का सेवन अवश्य करना चाहिए। नारियल का तेल थायराइड की क्रिया को शीतल बनाने में मददगार साबित होता है, इसलिए थायराइड के रोगियों को कुकिंग ऑयल के रूप में नारियल तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। मुलेठी, देखिए ये भले आपको घर में ना मिले पर बाजार में आसानी से उपलब्ध है किसी भी किराना स्टोर। मुलेठी का सेवन बढ़े हुए या घटे हुए थायराइड को संतुलित करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। अश्वगंधा चूर्ण, रात को सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गाय के गुनगुने दूध के साथ लें, इसकी पत्तियों या जड़ को भी पानी में उबालकर पी सकते हैं। अश्वगंधा हार्मोन्स के असंतुलन को दूर करने में सहायक होता है। त्रिफला चूर्ण, प्रतिदिन 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन करें, यह बहुत फायदेमंद होता है। अलसी का चूर्ण, अलसी के चूर्ण का उपयोग थायराइड की समस्या में आराम पहुंचाता है, क्योंकि अलसी में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है और ओमेगा 3 थायराइड के कार्य को नियंत्रित करने में मदद करता है, इसलिए थायराइड के रोगियों को नियमित रूप से अलसी के चूर्ण का उपयोग करना चाहिए। थायराइड के दौरान आपका खान पान कैसा हो, इसकी जानकारी समझ लेते हैं। थायराइड की परेशानी के दौरान आपका खान पान कुछ इस तरीके का होना चाहिए। थायराइड रोग में कम वसा या फैट वाले आहार का सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा फलों एवं सब्जियों को भोजन में शामिल करें, विशेषकर हरी पत्तीदार सब्जियों का सेवन करना लाभकारी होता है। इनमें उचित मात्रा में आयरन होता है जो थायराइड के रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें, मिनरल्स और विटामिन से युक्त भोजन लेने से थायराइड कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आयोडीन युक्त आहार का सेवन करें, नट्स जैसे बादाम, काजू,
और सूरजमुखी के बीजों का अधिक सेवन करें। इसमें कॉपर की मात्रा होती है जो थायराइड में फायदेमंद होता है। थायराइड के घरेलू उपचार के अंतर्गत दूध और दही का अधिक सेवन करना चाहिए। थायराइड के घरेलू इलाज के लिए आप विटामिन ए का जरूर सेवन करें। साबुत अनाज का सेवन करें, इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन भरपूर मात्रा में होती है। क्या परहेज रखना चाहिए एक थायराइड पेशेंट को? वैसे तो ये परहेज एक हेल्दी पर्सन को भी रखना चाहिए और ऐसे ही परहेज एक थायराइड पेशेंट को भी ध्यान में रखने चाहिए कि उसे अपने खाने में जंक फूड और प्रिजर्वेटिव युक्त आहार को शामिल नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, अल्कोहल जैसे नशीले पदार्थों से बचना चाहिए। कैसी हो एक थायराइड पेशेंट की जीवन शैली? थायराइड के दौरान जीवन शैली में ये सब बदलाव करना चाहिए, जैसे तनाव मुक्त जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, योगासन या प्राणायाम अवश्य अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। कौन कौन से ऐसे योगासन हैं, कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जो थायराइड के पेशेंट को जानना या करना जरूरी है, उसकी जानकारी को समझ लेते हैं। थायराइड रोग के लिए योग और प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो शरीर के थायराइड ग्लैंड को संतुलित करने और समस्या को नियंत्रित करने में मददगार साबित होते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ आसन और प्राणायाम की जानकारी शेयर कर देता हूँ, ताकि आप इन प्राणायाम और योगासन को करके थायराइड हार्मोन के असंतुलन को संतुलित कर सके। सबसे पहला आसन होता है जिसे सर्वांग आसन कहते हैं। इस आसन को करने से थायराइड की क्रिया को संतुलित किया जा सकता है। दूसरा आसन होता है हलासन। ये आसन थायराइड को संतुलित करने के साथ साथ नर्वस सिस्टम को शांति देने में मददगार साबित होता है। तीसरा आसन है मत्स्यासन। इस आसन को करने से थायराइड के लिए संबंधित ग्रंथियों को सक्रिय किया जा सकता है। चौथा भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से थायराइड को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इसमें नाक से सांस बाहर निकालते हुए भ्रामरी की आवाज को करना होता है। पांचवा उज्जायी प्राणायाम। यह प्राणायाम थायराइड को संतुलित करने और स्थिरता प्रदान करने में मददगार साबित होता है। छठवां अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से प्राणिक सामरिक की संतुलना में सुधार हो जाता है और थायराइड की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। योग और प्राणायाम को नियमित रूप से करना चाहिए और इन्हें सही ढंग से करने के लिए एक योग गुरु की दिशा निर्देशन में करना बेहतर होता है। आप जिस भी प्राणायाम को या जिस भी आसन को करते हैं उसकी पूरी जानकारी सही तरीके से ले लें, ताकि कुछ भी गलती ना हो, जिससे कि कोई भी नुकसान आपके शरीर पर ना हो सके। तो ये छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको शेयर की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी कई सारे व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल हो। कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपके सामने रखने में काफ़ी मेहनत लगती है, और इस मेहनत के लिए हम जैसे यूट्यूबर्स आपसे बस केवल एक सब्सक्रिप्शन और लाइक ही चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों को समझेंगे।